व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ अभिषेक सानी और आप देख रहे हैं नोमड अभिषेक। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो गांव पर है भूसा जो है ढोते कैसे हैं लोग और ट्रैक्टर वगैरह करते हैं तो कैसे लेके जाते हैं, सब कुछ इस ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ और आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं विलेज का ये एक ब्लॉग है जो उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले का एक गाँव का ब्लॉग है और मैं यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाऊँगा कि हाँ यहाँ पर ट्रैक्टर जो लेके जाते हैं लोग और उसके ऊपर भूसा कैसे रखते हैं लोग और कैसे बांध के लेके जाते हैं, सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ सब कुछ। और आप इस ब्लॉग को जो है लास्ट तक देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा सीन है और यहाँ पर ट्रैक्टर के ऊपर ऐसे बांधा गया पूरे और इतने सारा भूसा रखा गया और ये सब के सब जा रहे हैं और मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊँगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा सब कुछ दिखाऊंगा और दिखाता हूँ कि रास्ता कैसा है। और ये आप देख सकते हैं कि पीछे के सीन में जो है यहाँ पर भूसा रखा गया है और ये ऐसा ये सब कुछ टोटल सीन ये है और मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इन्जॉयमेंट वाला सीन है। और यहाँ पर क्या मैं आपको बताऊँ, ये देखिए जो पीछे भूसा रखा गया है और मैं अभी आपको पूरा रास्ता भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा रास्ता ये बगीचे से होकर निकलता है और ये देख सकते हैं कि रास्ता भी कुछ खास नहीं, ऐसा नहीं कि पीच वगैरह बना है, रास्ता भी मतलब नॉर्मल ही है और यहाँ से ये जा रहा है। मैं आपको आजू बाजू का भी सीन दिखा देता हूँ कि हाँ खेत कैसे दिख रहे हैं और जो गेहूँ की कटाई हो गई है सबकी, तो वो सब सारा सीन क्या है देख सकते हैं आप साइड में, ये जो भूसा रखा गया और साइड में इधर जो खेत वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पर गेहूँ की कटाई हो गई है, बहुत सारी गेहूँ की यहाँ देख सकते कटाई हो गई, लेकिन ये जो आप गेहूँ देख रहे हैं इसकी अभी कटाई बाकी है। और ये सारा सीन है और ये बगीचे का हमारा सीन है, मतलब हमारा नहीं हमारे गांव का जो बगीचा है उसका सीन है और इधर से हम लोग का ट्रैक्टर जा रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं गांव के ऊपर एक विलेज ब्लॉग बनाता हूं और आपको दिखाता हूं कि गांव की लाइफ कैसी होती है और यहां के लोग कैसे रहते हैं। और ये देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर गेहूँ की कटाई बची हुई है और ये सारी कटाई भी होनी बाकी है और जिन लोग का गेहूँ कटाई हो गई है वो लोग अपना भूसा वगैरह जो भी निकलता है उसको जो है घर पर लेके जाते हैं रखते हैं। और ये देख सकते हैं कि हमारा गाँव आपको दिख रहा होगा और मैं आपको पूरा अंदर तक का ब्लॉग दिखाऊंगा, गांव में एंटर करने से लेके सब कुछ ब्लॉग में ही बताऊंगा। और आप देख सकते हैं कि जो आपको इधर दिख रहे होंगे जिनकी गेहूं की कटाई होगी वो लोग बोझा वगैरह बांध चुके हैं और इधर आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में जो है मोड़ वगैरह, ये मोड़ है और शायद अच्छे से नहीं आ रहा होगा वीडियो, ये देख सकते हैं जो रोड के सामने शो कर, ये मोड़ है पीकॉक जिनको हम बोलते हैं और ये सारे हमारे गांव में ऐसे मतलब दिखते रहते हैं और आते रहते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं 6, 7, 5, 6 जो भी दिख रहे हैं ये सब जो है देखिए ऊपर जो है गोबर के ऊपर गोएठे के ऊपर वो भी मोड़ी था। और अभी हम लोग जा रहे हैं गांव में एंटर करने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं मैं आपको सब कुछ इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि अब हम गांव में एंटर कर रहे हैं तो ये हमारे गांव का ऐसा सीन है जो बाहर से हम लोग एंटर करते हैं। तो और आप देख रहे हैं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा होगा, ये इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर पर बैठने की वजह से जो है ये हम लोग का हाथ वगैरह मूवमेंट होता रहता है और हाथ हिलता रहता है, इसकी वजह से जो है ट्रैक्टर मतलब कि रोड उतना काफ़ी अच्छा नहीं था इसलिए ज़्यादा कैमरा जो है हिल रहा था। तो मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा कि हमारा गांव कैसा है, ये देख लीजिए हमारा गांव का ये सीन है। और यहाँ से एंटर करने के बाद मैं आपको अपने घर तक का सीन दिखाऊंगा कि हम लोग कहाँ पर भूसा रखते हैं, मतलब मैं अपने घर का नहीं मतलब हम लोग भूसा जहाँ रखते हैं वहाँ का सीन दिखा दूंगा लास्ट में थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। और ये जो बाजू में दिख रहा है ये शॉप है जहाँ से हमारे गाँव के लोग सभी लोग सामान वगैरह लेते हैं। और मैं अब हम लोग एंटर कर रहे हैं अपने गाँव के बीचों बीच आ चुके हैं क्योंकि हमने आपको पहले दिखा दिया कि हम गांव में एंटर कर चुके हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर रास्ता जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कुछ ज़्यादा ही मुड़ान था और यहाँ पर घुमाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। तो आप इस ब्लॉग पर बने रहिए, देखिए अभी हम लोग मैं उतर गया ट्रैक्टर के ऊपर से और मैं आपको उतर कर ब्लॉग दिखाता हूँ इसका कैसे क्या सीन है। और ये देखिए ये रहा ट्रैक्टर और घुमाने में भी बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, ये इतना सकरा मोड़ है मतलब इतना ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है भाई कि मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पर भूसा रखते हैं, अपने घर का सीन दिखा देता हूँ जहाँ पर हम लोग भूसा रखते हैं एक्चुअली अपने घर का। ये देखिए यहाँ पर हम लोग गाय वगैरह हम लोग बांधते हैं और ये हमारा जो सीन है यहाँ पर हम लोग भूसा रखने वाले हैं इस घर के अंदर।